आपके यहाँ का फेवरेट कौन सा है? सिर्फ मटन है क्या? केवल नाली पीस लगा दे। हाँ हाँ, आपका जो मर्जी सर, हम मटन का सब खाते हैं। मटन में खस्सी का ही होता है यहाँ पर, एक्स्ट्रा वैसा बकरी वगैरह वैसा कुछ नहीं है। ओहो लाजवाब। एक बहुत ही बढ़िया फ्लेवर इनमें से निकल रहा है, वो धनिया का। तो भाई आप यकीन नहीं करोगे, ये जो घर है, ये घर है महेंद्र सिंह धोनी का। इस घर के थोड़ा आगे जाकर ना हम लोग दो रेस्टोरेंट में खाएंगे, होटल में खाएंगे। एक है रवि होटल, दूसरा है सरना होटल। मेरा नाम अनिल पिग्गा हुआ, सरना होटल के नाम से चल रहा है। तो सर आपके ये जो होटल है कितना साल पुराना? ये 7-8 साल हो गया। 7-8 साल हो गया कि हम यहाँ देसी स्टाइल में ही हम खाना खिलाते हैं। यहाँ जो होता है मसाला घर में जो पीसा जाता है उसका, वो पिसा हुआ हमारा मसाला रहता है, और जो अपना एक्स्ट्रा जो ये है मसाला वगैरह है वो तो डालते ही डालते हैं। खासकर मेरा जो वो मसाला काम आता है जो घर में पिसता। प्राइस है हम लोग का मटन भात, अभी इससे पहले हम लोग का था, अभी इस महीने से बढ़ गया है, 130 रुपया प्लेट है। 2 पीस रहता है हम लोग का, चटनी सलाद है, पापड़ रहता है हम लोग का। और सर इसका टाइमिंग थोड़ा बता दीजिए। टाइमिंग यहाँ हम लोग का 9:30 बजे से लेके 3 बजे तक रहता है हम लोग का टाइमिंग। नीचे में ओवन फिट किया हुआ है, इसके ऊपर रखा है, तो हांडी आप देख सकते हो कि भाई लार्ज क्वांटिटी में कोई भी खाना, स्पेशली मटन यदि उसको पकाए ना आप, उसका एक फ्लेवर अलग होता है, उसका एक मज़ा जो है अलग आता है। तो चावल के साथ आएगा एक चटनी, थोड़ा सा खीरा, तो मेरे भाई कोलकाता से जो जो लोग देख रहे हो, सो जल्दी से प्लान बनाओ रांची आने का। चलिए भाई साहब देखो, आपको ऐसा एक प्लेट खाना, ग्रेवी, चर्बी, मटन, पापड़, सलाद, चटनी और राइस, हम हाफ राइस लिए 130 रुपये, शायद मेरा 10 रुपये घट जाएगा, 120 रुपये में आपको आ जाएगा। तो भैया इसका जो फ्लेवर आ रहा है ना, हम पहले भी बोल चुके हैं धनिया का बहुत बढ़िया आ रहा है। एक बार पीस एक बार दिखा दो रवि। भाई साहब जन्नत कहाँ है? कश्मीर में नहीं, स्विट्जरलैंड में नहीं, जन्नत तो है भाई मटन में। बहुत सारे लोग, बहुत सारे दोस्त मुझे ऐसा बोलते हैं, सर आपको मटन के बिना और कुछ नहीं दिखता। सच में भाई मटन के बिना और कुछ नहीं दिखता। पहले हम ट्राई करेंगे ग्रेवी से पहले, वो है यहाँ का चटनी। यहाँ पर हम मुझे जो दिखाई दे रहा है वो है, यू नो, थोड़ा यहाँ पर धनिया डाला गया, लहसुन, उसके साथ ये चटनी, आम नहीं, सिर्फ लहसुन का ही है। बहुत बढ़िया है भाई, फ्लेवरफुल है, एकदम स्ट्रॉन्ग है। तीखा भी है, लहसुन और मिर्चा का रहता है। हाँ, ग्रीन चिली का, अगर टमाटर का मौसम रहा था ना, टमाटर का चटनी देते हैं, टमाटर और लहसुन का और मिर्चा मिक्स करते हैं। ओके, एक चीज़ भैया, ये यहाँ पर जो है, यहाँ पर जितना सारा ढाबा है वहाँ पर ग्रीन चिली का बहुत अच्छा सा प्रयोग करते हैं। ओहो हो, जो मुस्कुराहट है कि आपको यहाँ पर आके जब खाओगे तभी आएगा भाई, क्या टेस्ट है, एकदम स्ट्रॉन्ग फ्लेवर, तीखा, धनिया का स्ट्रॉन्ग फ्लेवर, मसाला का स्ट्रॉन्ग फ्लेवर, उसके साथ साथ मटन का जो फ्लेवर है, यखनी एसेंस है, मज़ेदार है, मज़ेदार। ओहो हो, गर्मा गर्म, ओह बहुत ही गर्म है भाई, पहले थोड़ा चावल खा लेते हैं। हम्म,
इस टाइप का मटन जो है हम पहले नहीं टेस्ट किया, रांची के आने के बाद ही टेस्ट कर रहे हैं। तो ये एकदम अलग मटन है, पटना में खाए वो अलग था, बंगाल में तो खाते ही खाते हैं हम लोग, उड़ीसा का भी अलग है और यहाँ का एकदम टोटली अलग है। तो पापड़ लेंगे थोड़ा का चटनी के साथ। ग्रीन चिली का जो फ्लेवर, स्ट्रॉन्ग फ्लेवर, और यहाँ का वही मैं कहना चाहूँगा, एकदम ट्रेडिशनल तरीके से यहाँ पर खाना प्रेजेंट करते हैं, सर्व करते हैं। और साथ में ये जो खीरा जो जा रहा है ना भाई, खीरा मीठा मीठा है और पूरा जो खाना है एकदम मसालेदार तीखा वाला खाना है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ग्रेवी नहीं, एक्स्ट्रा आप लोगे ना चावल तो 15 रुपये आपको पे करना पड़ेगा, उसके साथ ग्रेवी आपको फ्री में मिलेगा। और उसके साथ जो है मटन, यदि आप एक्स्ट्रा लोगे तो मटन का आपका चार्ज लग जाएगा 60 रुपये, 60। रवि भाई तुम बहुत लकी हो, ऐसा खाना यदि उधर मिल जाता ना, हम रोज़ खाते, सही में रोज, एक दिन भी मिस नहीं करते। और एक चीज़ बढ़िया चीज़ आपको बताते हैं, ये जो चावल का क्वालिटी है, थोड़ा देखिए, हम लोग उधर मोटा चावल उतना प्रेफर नहीं करते, लेकिन यहाँ का जो ग्राहक लोग है वो मोटा चावल बहुत पसंद करते हैं, है ना रवि, बहुत पसंद करते हैं। तो डाल दिए पूरा ग्रेवी। अच्छा, ग्रेवी में इधर थोड़ा टमाटर भी है, तो ग्रेवी में एक चीज़ है, इधर गरम मसाला जो है उसका प्रयोग बहुत ही कम किया, बहुत ही कम, एकदम ही कम किया है ना, एकदम लास्ट डाल, लास्ट में थोड़ा सा डाल दें। उसके अलावा यहाँ पर टमाटर, धनिया, गजब, भाई एक बार से मन नहीं भरेगा, नेक्स्ट मंथ में फिर से आना पड़ेगा। इतना बढ़िया खाना यदि आपके पास हो ना, वीडियो बनाने का मन नहीं करता, सिर्फ ऐसा लगता है कि हम खाने पे ही ध्यान दें। फर्स्ट क्लास। तो भैया चलो हम अपना खाना फिनिश करते हैं, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। वीडियो यदि अच्छा लगे तो ज़रूर एक लाइक कर दो, कोई सजेशन है तो कमेंट में बता दो, और एक रिक्वेस्ट है भाई, चैनल को ना थोड़ा सब्सक्राइब कर दो। तो फेसबुक में देख रहे हो तो ये जो लाइक वाला बटन है ना चैनल का, पेज का, उसको थोड़ा लाइक कर दो बस, और कुछ नहीं। बढ़िया बढ़िया खाना यदि देखना है तो क्या देखोगे, पेज या चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना है। चलिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।